हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। ये थर्ड चैप्टर है हनीड्यू नामक बुक का, जिसे NCERT CBSE क्लास 8 के लिए पब्लिश करती है। तो इसे आज हम लाइन बाई लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। और इससे पहले कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर CBSE के क्लासेज 9, 10, 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का के वीडियोस आपको मिलते हैं, जिसमें उस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपको ओरिएंट ब्लैक श्वान द्वारा पब्लिश्ड बुक गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 के चैप्टर्स के हर चैप्टर हर पोएम के लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलते हैं। और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के क्लासेज 11 और 12 के वीडियोस भी आपको मिलते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर। तो ये रहा ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट का बिफोर यू रीड। हियर आर सम पिक्टोरियल मतलब पिक्चर वाला ग्लिम्पसेज मीन्स दर्शन नज़र ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857, है ना। 1757 से लेकर 1857 तक है, याद होगा 1857 हमारे यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, या 1857 की का रेवोल्यूशन, है ना, 1857 की क्रांति नाम से भी जाना जाता है, सिपाही मूवमेंट वगैरह भी हुआ था। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स किसको कहते हैं, ये जो कोई आदमी का कॉमिक्स वगैरह में देखते हैं, चाहे यहाँ भी जो आदमी बोल रहा है पिक्चर में बोल रहा है उसको ऐसा बॉक्स बना देते हैं, तो इसको जो है आपको स्पीच बबल्स कहते हैं। विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, इससे आपको समझने में मदद मिलेगी ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। बताया था 1857 की स्वाधीनता की पहली जो है पहला संग्राम, है ना। तो पहला में है द मार्टर्स, है ना, एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली के एक फंक्शन में क्या हुआ, तो देखिएगा यहाँ ये बोल रही है महिला, ओ माई कंट्रीमैन लेट आवर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टर्स, है ना, कि मेरे देशवासियों अपनी आँखों को जरा भर लो आंसुओं से और याद करो अपने मार्टर्स को, है ना, जो देश के मार्टर्स हैं यानी शहीदों को। अब जरा इस पिक्चर में दो चीज़ गौर कीजिएगा, कौन कौन बैठे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद बगल में शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, और ये महिला शायद पहचान में नहीं आ रही होगी लेकिन भाषा से याद आ गया होगा कि ये मेरे वतन के लोगों, यानी ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, यानी जरा आँख में भर लो पानी, यहाँ पानी क्या है तो वही आंसू है, एज यू रिकॉल, है ना, जरा उन्हें भी रिकॉल कर लो सेक्रीफाइसेस इंडिया मार्टर, जो मतलब शहीद हुए हैं, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। तो यही यानी ये 1947 का फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, यही जो प्रथम जो लहराया गया था झंडा, है ना, तो उसमें ये गाई थी, लता मंगेशकर हैं। नेक्स्ट पेज सेकेंड नंबर में है द कंपनीज कंक्वेस्ट 1757 टू 1849। कंपनी यहाँ पर याद रखेंगे, जहाँ भी इस चैप्टर में कंपनी की बात होगी वो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी उसकी बात होगी। तो पहला पिक्चर में विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, है ना, जो उनके जो अच्छे अच्छे हथियार थे वेपन्स थे, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18वीं शताब्दी के भारत में वो अपनी पावर से जो है वो अपना क्षेत्र का विस्तार किए जा रहा था, है ना। देखिए यहाँ पिक्चर में इंडिया 1765, फिर यहाँ पीला जो है इंडियन प्रिंसेस, पीला में जितने भी हैं वो सब भारत के राजकुमार है, और रेड वाला जो है ब्रिटिश टेरिटरी। तो अभी देखिएगा तो शुरुआत में कितना है, बस ये थोड़ा सा राइट साइड में इधर वाले साइड में है, ये कलकत्ता बंगाल और इधर अरुणाचल वगैरह में, बस इतना ही है, लेकिन आगे देखते देखते पूरा इंडिया इनका हो जाता है। इधर स्पीच बबल में दिया हुआ है द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, है ना, शॉर्ट साइटेड का मतलब होता ही नहीं कि उनकी नज़र कमजोर थी, अदूरदर्शी थे, मतलब भविष्य वो नहीं देख सकते थे। आपस के झगड़ा के लिए जरा देखिएगा स्पीच बबल में क्या दिया हुआ है, दैट अपस्टार्ट राजा, है ना, अरे वो अपस्टार्ट माने कुछ स्टार्ट होना नहीं, घमंडी या अहंकारी, वो जो अपस्टार्ट राजा है, वाह, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, बुलाओ वो अंग्रेज सौदागरों को व्यापारियों को, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, की है ना, कि अंग्रेज से मिलकर के आपस में ही लड़ते थे कि बगल वाले राजा को हराना, चलो बुला लो। अब वो क्या होता था, द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच, है ना, कॉन्स्टेंट फाइट्स, ये जो बार बार फाइट्स होते थे, लोगों को चैन नहीं मिलता था।
अंग्रेज लोगों की पॉलिसी क्या थी, ठीक है, मैंने मदद के लिए बुलाया और मेरे दुश्मन पे वो उसके पास हथियार है, अच्छा तो वो हरा दिया और फिर मेरा भी राज्य वो ले लिया। तो ऐसे ही करके करते करते धीरे धीरे फूट डालो और शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल आप लोग पढ़े ही होंगे उसकी थी। द राइवलरी इज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ये जो आपस में जो राइवलरी थी यानी जो कंपटीशन था, दुश्मनी थी, इट कुड ईजली इन सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, इससे सबड्यू होना, बस में होना, है ना, उस पर कब्जा करना, एक एक करके जो है सो कब्जा करता गया सभी राजाओं पर। ए फार सीइंग रूलर, लेकिन इसमें से एक बहुत दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला, मतलब आँख से दूर तक नहीं, मतलब आगे की सोचने वाला रूलर, लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ माइसूर यानी टीपू सुल्तान, फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, तो लड़ते लड़ते मरा कि ना ये अंग्रेजों को हम नहीं हेल्प करेंगे, इससे हेल्प नहीं लेंगे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अरे शुक्र है भगवान का कि अब देश में शांति है, नो मोर वार्स एंड नो मोर लूटिंग बाई ठग्स, है ना, ठग्स माने ठग भी होते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, है ना, तो उसमें ठग्स माने डाकू भी होता है, कि चलो अब लूट वूट नहीं हो रहा है, कब जब, है ना, मतलब नहीं समझे शुरू शुरू में, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये लोग कह रहे हैं मतलब उसके आने के बाद लूट मार नहीं हो रहा, उनके पास हथियार थे, आवर डेस्टिनी, फिर यह तीसरा मैन कह रहा है आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम, है ना, हमारी भाग्य जो है अंग्रेजों के साथ है, शुरू में तो ऐसा हुआ। अब सेकेंड पिक्चर में इधर वाले में देखिएगा कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, सारे ये तो या तो हमारे राजा को मार दिया या डिथ्रोन्ड करना, मतलब गद्दी से हटा देना, थ्रोन करना माने गद्दी पे बैठाना यानी राजा बनाना, उससे हटा देना डिथ्रोन। अब देखिए एक तरफ तो शुरू शुरू में पता नहीं चला, सब कहते थे बहुत अच्छे, अब देखिए इसी में सेकेंड डायलॉग है, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन थे तो इसी धरती के, हमारे भाई थे, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब जो है हम लोग वो विदेशियों के, फॉरनर्स के गुलाम हो गए हैं, स्लेव हो गए हैं। थर्ड पेज में थर्ड कहानी है, ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर पर्च्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, तो अब कुछ रिलीजियस लीडर्स आए, वो लोग जो है इस पर, उस समय का दो बहुत बड़ी बुराई थी, एक तो अनटचेबिलिटी यानी अछूत, छुआछूत वाला, कि इस जाति को छू देंगे तो हम छुआ जाएंगे, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, और दूसरा चाइल्ड मैरिज। पहले ज़माने में, हम लोगों के पिताजी के ज़माने में 10 साल 11 साल 12 साल में शादियां हो जाती थी, तो ये देखिए ये यहाँ इनको भाषण दे रहे हैं, प्रीच्ड, ऊपर मैंने पर्च्ड पढ़ दिया, प्रीच माने उपदेश देना, एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन, हाँ एक बात और, ये सात समुंदर जो पार करेगा उसका धर्म ये हो जाएगा, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कुछ कह रहा है ये, कुछ गलत चीज़ें भी सिखा रहा है, कह रहा है कि जितनी भी कष्ट है संसार में वो सब महिलाओं की वजह से है। अब इससे क्या होता था, अंग्रेज लोग और इनको कमज़ोर होते थे, इन सब चीज़ों से यूनिटी नहीं होती थी, एकता नहीं होती थी। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, कि एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट इनका ख़त्म हो गया था भारतीयों का, द ब्रिटिश, है ना, स्कॉन्ड देम, और जो ब्रिटिश थे उनसे नफरत करते थे। देखिए डायलॉग इसमें है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, है ना, ये जो यहाँ के नेटिव्स हैं, यहाँ के निवासी यानी इंडिया के, वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उन पर भरोसा करने लायक नहीं है, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, उन पर ईमानदारी नहीं कर सकते हैं, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब देखिए इसी में क्या होता था, आपस में फूट पड़ जाता था, ये इंडियन आदमी ही है, कहता हाँ आप सही कह रहे हैं, इंडियन बेईमान होते लेकिन मैं ईमानदार हूँ, है ना, इसी में गुलाम बन गए थे हम लोग। बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश, अब चूंकि वो मर्चेंट्स भी थे, सौदागर भी थे, व्यापारी भी थे, द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, वो जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, दियर हैवी टैक्सेज, और इसके लिए वो हैवी टैक्स लगाते थे, फोर्स्ड फार्मर्स टू एबंडन दियर फील्ड्स, जिस वजह से खेती में यानी नुकसान होने लगा तो वो एबंडन कर दिए, परित्याग करने लगे खेतों का। बट योर मेन आर, यहाँ पर है कि भाई डायलॉग में, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, अरे आपके आदमी लोग तो हमारे सारी फसल ले जाते हैं, भाई अंग्रेज का आदमी कहता है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारा अभी भी बकाया है एरियर्स माने, है ना, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह नहीं जमा करोगे आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, मतलब कर्ज नहीं चुकाने पर जेल भी था पहले। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और भी नया नया तरीका उठाया क्या, तो देखिएगा इस डायलॉग में, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी होता है आयात कर, मतलब दूसरे देश से आपके देश में जो सामान आता है तो उसमें इम्पोर्ट लगता है, और एक
यहाँ से भेजिएगा तो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी ड्यूटी ड्यूटी माने टैक्स लगता है। कहता है जो इंग्लैंड से बन के आएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा व्हेन ब्रॉट इन टू इंडिया, जब इंडिया में आए। ए गुड आइडिया है ना, तो एक आदमी उसका कह रहा है हाँ बहुत अच्छा आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या हुआ तो इनके जो रूल थे इनके जो लॉ थे इससे इंडियन इंडस्ट्री समझिए जो है सो मुहताज हो गया, मतलब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। द ब्रिटिश पॉलिसीज है ना, द ब्रिटिश पॉलिसीज इसके ऊपर है इनवेटिबिलिटी फेमाइंस फॉलोड है ना, क्या हुआ कि फेमाइन मतलब अकाल पड़ गया बिटवीन 1822 एंड 1836 है ना, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन पूरे इंडिया में। सोचिए 15 लाख जिस समय आबादी बहुत कम थी, 15 लाख लोग भूख से मर गए, कितना दुखद है, कैसे तरफ तरफ के मरे होंगे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड दियर बिजनेस, जो एक्सपर्ट लोग थे जैसे जूता बनाने वाले कारीगर लोग जो थे, सिलाई करने वाले बुनाई करने वाले, उन सबका धंधा समझिए चौपट हो गया। फोर्थ पेज में फोर्थ है राम मोहन राय 1772 टू 1833। देखिएगा राम मोहन राय ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल के एक बहुत विद्वान आदमी थे, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको समझ आया कि देश में गलती क्या है, यानी आपस में जो ये हम लोग बटे हुए हैं वो। तो देखिए वो क्या कहते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा या तिरस्कार करना आवर सेल्फ, हम अपने आप से घृणा न करें, अपने आप माने यही अनटचेबिलिटी जो है कि ये तो सब हमारे भारतीय है, हम कैसे कहेंगे उसका छुआ नहीं खा सकते हैं। तो आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा प्राचीन संस्कृति महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम तो बहुत बड़े बड़े उपलब्धियाँ हमने पाई है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी है ना, हमें अपनी सोसाइटी में सुधार करना होगा, समाज सुधार करना होगा। सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास हैव बीन रूइनिंग अस, ये जो सुपरस्टिशन की वजह से अंधविश्वास हमें जो है वो समाप्त कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। फिर इधर देखेंगे ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग कलर की है बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनकी जो है कोई गाय काली भी होती है लाल भी होती है सब, लेकिन उनका दूध सबका सफ़ेद है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, कि हर रिलीजन जो है वो ठीक है अपने अपने तरीके से सिखाता है, लेकिन सबका एसेंस जो मेन बात है वो सेम ही है कि सबसे आपस में प्रेम करो, सब इंसान है, ईश्वर की औलाद है सब है ना। He was attached by science and modern knowledge है ना, तो राजा राम मोहन राय ने साइंस को और मॉडर्न नॉलेज को भी ऐड किया, क्या कि पुरानी बातें छोड़ो, ये जो भदवा में नहीं जाना या ये करना बिल्ली का रास्ता करना वैसे वैसे और भी चीज़ें, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए अंधविश्वास में नहीं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1822, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए, आज ना न्यूज़पेपर कॉमन है उस समय नहीं था तो शुरू किया, लेकिन जो है ब्रिटिश लोग सस्पिशियस थे, शंका वाले थे कि भाई कहीं ये प्रचार करके हमारे खिलाफ भड़का ना दे। ही क्रॉस्ड द सीज, उन्होंने सागर को लांगा यानी पार किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वो इंग्लैंड तक गए कि हाँ भाई क्या जो है, उससे पहले दिए थे ना कि जो जब समुंदर पार करेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने देखा कि अंग्रेज लोग कैसे आगे बढ़े हैं, तो वहाँ के लोगों ने कहा है ना क्या कि ऐसे ऐसे सब देखा, तो वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, कि भाई ये कहते हैं कि हम आपको रूलर्स मानते हैं, आप हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स याद रखेंगे हमेशा है ना, हिस्ट्री में जब सब्जेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट माने विषय नहीं बल्कि प्रजा है ना, राजा की प्रजा वही, बट कि हम आपकी प्रजा है, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि रूलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा के प्रति, शासक का जो प्रजा के प्रति है ना जिम्मेवारी है, उसका निर्वहन भी आप करें। फिफ्थ में है ऑपरेशन है ना 1765 टू 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1888 है ना 1818, वो जो 1818 तक जो है ऑपरेस करते रहे, दबाते रहे। दे हैड पास रिलीज रेगुलेशन 3 है ना, उन्होंने इसके लिए रेगुलेशन 3 भी किया, मतलब कई सारे रेगुलेशन किया था, उसमें से रेगुलेशन 3 अंडर इट, इसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि बिना कोर्ट के भी उनको जेल में रखा जा सकता था। ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग है ना सैलरीज, वो अच्छी सैलरी मतलब ड्रीव करते थे, कमाते थे, अपनी सैलरी उन्होंने फिक्स कर रखी थी, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और विपुल संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति भी उन्होंने प्राइवेट बिजनेस में भी कर रखा था। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपी टू इंडिया, 7 करोड़ तक का उस जमाने एक्सपोर्ट करके यहाँ भेजते थे, मतलब इससे यहाँ की इकोनॉमी खराब होती थी।
द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट में वो अपना प्रोस्पर कर रहे थे, उन्नति कर रहे थे, वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। गवर्नर जनरल है ना बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, है ना वो जो है वहाँ पर मतलब रिपोर्ट किया क्या, द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना द बोन्स ऑफ कॉटन है ना वेवर्स, उनकी हड्डी जो है वो आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो भारत के धरती को जो है वो सींच रहे हैं। सिक्स में है डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतुष्टि, 1835 से 56 तक का है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत, है ना यहाँ पर मेन जो है फारसी और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले, है ना मैकॉले जब भी यदि टीचर ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो भी इनका नाम आता है बार बार, सजेस्टेड ए चेंज, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया, वही शुड टीच द नेटिव्स यानी यहाँ के जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें अंग्रेजी भाषा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। आई अग्री, तो भाई वो लोग अग्री हुए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, तो वो जो है पढ़ा लिखा करके इंग्लिश है उनको क्लर्क का जॉब दिया और उनको पेटी जॉब्स दिया, छोटे मोटे काम दिए। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हाँ लेकिन इसमें एक प्लस था कि वो इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी लोग हुए अंग्रेजी में किताबों को पढ़ के, मैंने उसमें तो वर्ल्ड वाइड था तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, एक आदमी कह रहा है कि भाई हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, उनके जो आर्थिक स्थिति है उनको अच्छा करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए तो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहना होगा। अब चले आइए इधर, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया, देख लीजिए इससे पिछला जो मैप हमने देखा था उसमें वो रेड कलर का सिर्फ राइट साइड में था, और ये देखिए ऑलमोस्ट जो है ये रेड कलर में ब्रिटिश एरिया कितना हो गया, येलो वाला बहुत कम, पूरा इंडिया इन लोगों ने तब तक अपने कब्जे में कर लिया था। अब इधर दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, है ना इंडियंस के नीड्स पे वो एकदम न के बराबर मतलब ध्यान नहीं देते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, है ना हमारे किंग्स जो है वो पपेट्स बन गए, कठपुतली बन गए अंग्रेजों के हाथ के, और हमारे ओल्ड जॉब्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। एंड लैंड से कहने में कह रहा हूँ, जमीन भी हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं मतलब उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बात करते हो भाई, तुम लोग डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, है ना बात करने से नहीं होगा, उनको ड्राइव आउट करने का भगाने का कुछ सोचो। सेवेंथ है द स्पार्क्स चिंगारी, किसकी 1855 से 57 तक। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, है ना जो पीजेंट्स है किसान है उनको रूइन बर्बाद करने लगे टैक्स, बहुत हैवी टैक्स थे इन बंगाल में। द संथाल्स हैं जो वहाँ के क्या कहें आदिवासी जनजाति, हु हैड लॉस्ट दियर लैंड्स, उनका लैंड्स मतलब समाप्त कर दिया गया अंडर न्यू लैंड रूल्स, है ना कि भाई आदिवासी लोगों का अपना जमीन था लेकिन नहीं कि वो भी अंग्रेज बोले हमारा ही है। बिकम डिस्परेट, वो निराश हो गए, है ना। इन 1855 दे रोज इन रेवेलियन, और फिर 1855 में वो रिवेलियन हो गए, विद्रोही हो गए। एंड मैस्केयर्ड यूरोपियंस एंड दियर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने मैस्केयर मतलब होता है नरसंहार शुरू कर दिया, मतलब बहरहाल तीर से उन्होंने मारना शुरू कर दिया किनको, जो भी यूरोपियंस थे अंग्रेज लोग थे और उनके सपोर्टर्स को भी, सेम जो भी इंडियन भी सपोर्टर थे। डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यही नहीं डिसकंटेंट यानी असंतुष्टि जो है वो इन उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी बढ़ रहा था जो वहाँ इंडियन लोग थे। द वाइट सोल्जर्स गेट्स, देखिए एक आदमी कह रहा है कि एक सैनिक कह रहा है कि द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, उसको बहुत सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा है ना, और हम लोगों को जो है मैंसन्स टू लिव इन, मैंसन्स मतलब भवन मिलते हैं रहने के लिए, है ना, और सर्वेंट्स भी मिलते हैं नौकर भी। वाइल वी गेट ए है ना पीटीएंस, हम लोग पीटीएंस मतलब अल्प भाग थोड़ा सा मिलता है, एंड स्लो प्रमोशन भी नहीं मिलता है। फिर एक कह रहा है द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, वो कहता है समुंदर पार करने के लिए जबकि वो हमारे धर्म के विपरीत है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन है जो हमारे कस्टम को हमारे प्रथा को हटाएंगे। फिर एक आदमी कह रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को भगाना चाहिए। वैसे इस तस्वीर में जो ये कह रहे हैं देखने में मंगल पांडे लग रहे हैं, देखिए नीचे सिपोए मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, है ना मंगल पांडे ने इसके खिलाफ
वो बोला और उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई। फिर इधर है थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, जब ये हुई तो हजारों सिपाही लोग सिपाही माने वही सिपाही रिवोल्ट कर दिए। दे वर स्ट्राइप्ड आउट दियर यूनिफॉर्म्स, यानी उन्होंने अपने वर्दी छोड़ दी, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन, और जब ऐसा किया तो उनका जो है ह्यूमिलेट किया गया, उनका अपमान किया गया और उनको आयरन्स में पुट कर दिया गया। आयरन्स याद रखेंगे, आयरन माने लोहा, लेकिन आयरन्स माने बेरी, जंजीर, जंजीरों में बांध दिया गया। फिर है फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, बहुत कम ही इंग्लिश मैन थे जिन्होंने भारतीयों को समझा था। देखिए एक डायलॉग इधर है, स्पीच बबल है, ओ प्राउड ब्राह्मीन सोल्जर्स डू यू नो, अरे तुम गर्वीले पंडित सैनिक, क्या तुम जानते हो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द काउज एंड पिग्स, है ना। देखिए एक हिंदू है, एक मुसलमान है, ये कह रहा व्हाट द व्हाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, ये हमें ठगा। एक्चुअली क्या है ना, पहले जो कारतूस आता था, जो गोलियां आती थी, तो उसके ऊपर एक चीज़ लगा रहा था, उसको दांत से काटना पड़ता था। इन्होंने जानबूझ के क्या किया था, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए सुअर और गाय के चर्बी का उस पर ये ग्रीस लगा दिया था, है ना। सस्ता पड़ता होगा मीट वोट करने में, और इससे धार्मिक ये भी फैले, अभी आज इन लोगों को मालूम नहीं था। तो मुसलमानों को पिक्स वाला देते थे, खास करके हिंदुओं को काउज वाला देते थे, कितना बुरा करते, सोचिए। इसके बगल में है कि सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, चपातीज भेजे जाने लगे टू टेल द पीपुल दैट दियर एम्परर वुड वॉन्ट दियर सर्विसेज, ये कहने के लिए कि आप उनके एम्परर उनको उनकी सेवा चाहते हैं। एम्परर कौन उस समय, देखिएगा आगे है, बहादुर शाह जफर, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ हमारे सब गांव वाले तैयार होंगे। इधर है सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, यानी कमल के फूल सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स को कमल के फूल दिए गए। डेथ टू द फॉरेनर, है ना, कि इनकी मृत्यु होगी इन फॉरेनर्स की। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट, जो देशभक्त थे उनको पूरा सपोर्ट और शेल्टर दिया। अब है लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट रिवोल्ट 1857 की, रिवोल्ट कैसे विद्रोह हुआ था। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, है ना, एकदम रिवोल्ट हो गया, मेरठ से शुरू हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, राइट साइड में है कि सिपाही जो है दिल्ली की ओर चल पड़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, है ना, हमने कहा था ना बहादुर शाह, तो उस समय वो अंतिम मुगल शासक थे, वो इंडियंस को, मतलब इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे, इसीलिए उनके नाम पर बहादुर शाह जफर मार्ग वगैरह भी है। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, रिवेलियन बढ़ने लगे बहुत वाइडर। मेनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट दियर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर शोर, है ना, वो सब भी उठ गए जो किसान लोग थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, है ना, ये गोरे लोगों का रूल अवश्य समाप्त होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, हाँ हम सब आपकी मदद करेंगे। लास्ट पेज है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। देखिएगा इधर, मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, है ना, इससे बहुत मतलब बिटर थे, बिटर माने ऐसे करवा, लेकिन इससे दुखी थे। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, उसने मेरा किंगडम ले लिया है, राज्य ले लिया है। फिर इसी के नीचे आए, दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, तो ऐसे जो भी राजा थे वो उसमें जो फॉरनर के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ जो अपसर्ज थी, जो लहर थी, उसमें शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिरोजाबाद टोल द पीपुल, उसने मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो जिन्होंने कहा लोगों से, क्या राइज ब्रदर्स, उठो भाइयों, उठो राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, हमारे धरती को बर्बाद कर रहे हैं अंग्रेज, है ना। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, पेशवा नाना साहब को मतलब इसका नेता बनाया जाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, है ना, जो पैट्रियट्स जो थे ये देशभक्त लोग, ये कूद पड़े अंग्रेजों पर एंड फॉट, है ना, पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है इसके खिलाफ बगावत हो गई। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, कुंवर नहीं पढ़ेंगे, कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के हमारे कुंवर सिंह थे, और बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके कलाई में लगा। मदर गंगा, ये देखिए डायलॉग करें, मदर गंगा हे माँ गंगे दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, है ना, मेरा प्राण यानी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ये लास्ट है। नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, SD सावंत के द्वारा जो लिखा गया है, किताब उसी के हिस्से से है, और इसको स्पीच बबल्स में लिया गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे।